A cylindrical conductor of radius r is carrying a current. The plot of magnitude of magnetic field with distance d from the center C is correctly represented by the figure. तो क्या दिया देखो, आपके पास है एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ऐसा वाला जो करंट I कैरी कर रहा है यहाँ से, राइट। अभी ये डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं यहाँ से, तो आपसे बोला गया डिस्टेंस d पे मैग्नेटिक फील्ड अगर B आ रहा है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो सकते हैं देखो, जैसे पहला पॉइंट है d इज़ लेस दैन कैपिटल R, R मतलब इसका रेडियस, तो ये इनसाइड वाला पॉइंट है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड वाले पॉइंट पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r स्क्वेयर इंटू d, राइट। स्टैंडर्ड फार्मूला है। सेकेंड है सरफेस वाला पॉइंट, अगर आप लोग सरफेस पे हो मतलब d इज़ इक्वल टू r है तो b इज़ इक्वल टू आता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। एंड अगर आप लोग आउटसाइड हो, आउटसाइड मतलब छोटा d इज़ ग्रेटर दैन r, तो वहाँ पर b का वैल्यू आता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई d। तो तीनों यहाँ पर इक्वेशन देखना, इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, इससे ये वाला तो कांस्टेंट है और यहाँ से क्या पता चल रहा है b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d आ रहा है एंड बाद में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d है, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन, राइट।